प्रिय बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की इस व्याख्यान कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों पर रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए स्व अध्ययन कर रहे होंगे। और इसी कड़ी में हम आपको यहाँ बोर्ड की तरफ ले चलेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं काव्य यानी पद्य, इसके अंतर्गत पाठ एक जो सूरदास जी के पद हैं, पद नामक पाठ है आपका। तो पद जो है इसके रचयिता सूरदास जी। इसके पहले वाले वीडियो में पूरा सिलेबस हमने बताया था आपको, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो इसके बाद जो है अब हम लोग पद्य की शुरुआत कर रहे हैं। पद्य में पहला पाठ है सूरदास जी के पद, रचयिता सूरदास जी, संत शिरोमणि सूरदास जी हैं। तो हमने आपको बताया था उसमें कि कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां, भाषा, शैली। आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखना है। एक दो बार आप अध्ययन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप स्वतः ही किताब के माध्यम से, किताब की सहायता से जो है स्व अध्ययन द्वारा देख करके आप स्वयं लिखना शुरू कर देंगे। जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है उसको हम बताने जा रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार से सभी, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, आप एक स्टेप बना लीजिए कि जीवन परिचय कैसे दिखाना है, क्या कैसे लिखना है, चाहे वो पद्य हो चाहे वो गद्य हो, चाहे लेखक हो चाहे कवि हो, आप इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखने का प्रयास करिए, लिखिए। और इसी प्रकार से आप करेंगे, दो चार पांच कवि या लेखकों का जीवन परिचय लिखेंगे तो स्वतः ही जो है आप लिखना जान जाएंगे। तो आइए पाठ एक, पद, रचयिता है सूरदास जी। तो सूरदास जी का जीवन परिचय, जीवन परिचय जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने लिखा है, कुछ जैसे तिथि है, स्थान है, जन्म स्थान है, उनके पिता का नाम है, गुरु का नाम है, उनकी मृत्यु कब हुई थी। इसके अलावा कुछ यहाँ पॉइंट हमने दिया है, ये इसलिए दिया है कि चूंकि आप अगर क्लास में होते हैं तो आमने सामने एक संप्रेषण होता है, लेकिन चूंकि यहाँ संप्रेषण की प्रक्रिया क्लास के माध्यम या क्लास के अंदर जैसी नहीं है, इसीलिए हम पॉइंट आपको ये बता रहे हैं। इस पॉइंट के आधार पर आप जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय लिखने का एक तरीका होता है और एक स्टेप आप बना लीजिए, जैसे चाहे जो भी लेखक या कवि हो उनका जीवन परिचय लिखना है। तो सबसे पहले उनकी कुछ विशेषता बताइए साहित्यिक शब्द। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्वप्रथम लिखा गया है अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी, अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ये अष्ट छाप जो है इसका संगठन आगे हम आपको बताएंगे, भी फिर यहां बता रहे हैं इसका संगठन संत शिरोमणि सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठलनाथ द्वारा जो है आठ कृष्ण
भक्ति शाखा के कवियों को मिलाकर के इस संगठन का निर्माण किया गया था, जिसमें इस अष्ट छाप संगठन के सर्वश्रेष्ठ कवि जो थे वो सूरदास जी थे। तो इसलिए जीवन परिचय लिखते समय कुछ विशेष विशेषता, जैसे अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि संत शिरोमणि सूरदास जी। फिर अगला स्टेप होगा जन्म का समय, जैसे यहां आप देख रहे हैं समय दिया गया है, समय के बाद स्थान, स्थान के बाद माता या पिता, किताब में दिया होगा माता का नाम या पिता का जो साधारण तौर पर आपको उपलब्ध हो जा रहा है उनका जरूर लिखिए आप। तो माता या पिता का नाम, पत्नी है उनका भी नाम, बच्चे हैं उनका भी नाम लिखिए, गुरु जो उनको शिक्षा दीक्षा दिए हैं उनका भी नाम मिल जाता है उनको भी लिखिए, और मृत्यु जो है वो अंतिम में दर्शाइए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जन्म लिख दिए मृत्यु लिख दिए फिर इसके बाद ये सारी चीजें लिखेंगे, नहीं, आप एक एक एक, एक स्टेप बनाएंगे, एक स्टेप बनाएंगे आप, वो स्टेप आपके दिमाग में बना रहेगा कि कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करना है, स्थान जहां जन्म हुआ है उस स्थान का नाम लिखना है, समय किस सन में जन्म हुआ है, समय माता पिता है उनका नाम, पत्नी है बच्चे हैं उनका नाम, गुरु उनका नाम, जहाँ से शिक्षा दीक्षा उनको मिली हो, लेखकों में बहुत सारे आपको मिलेंगे लेखक, कवियों में गुरु हैं गुरु के द्वारा शिक्षा दीक्षा उनको मिली है तो गुरु का नाम, या जिस गुरुकुल में या कह सकते हैं जिस विद्यालय में आधुनिक युग में जो कवि या लेखक होंगे तो जिस विद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया होगा उसका नाम लिखते हुए, और अंत में जो है वो मृत्यु दर्शाएंगे, अंत में मृत्यु दर्शाना है। तो चलिए थोड़ा सा इसको एक अच्छे ढंग से किस प्रकार से हम लोग जो है इसको एक सीधी लाइन में लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर देखिए, जैसे यहाँ हमने लिख दिया जन्मांध, ये विवादित शब्द था, कुछ विद्वान मानते थे कि सूरदास जी जन्मांध थे और कुछ का मानना था कि नहीं जन्मांध नहीं थे, लेकिन हमें इस विवाद में नहीं पड़ना है, बस लिख देना है कि कुछ विद्वान मानते थे कि जन्मांध हैं और कुछ विद्वान यह मानते थे कि जन्मांध नहीं है। जब जन्मांध थे तो प्रश्न उठता है कि इन्होंने रचनाएं कैसे किया, भगवान श्री कृष्ण के बाल मनोहर रूप को इन्होंने कैसे दर्शाया, इनके रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता जो मिलती है, भक्ति रस की जो प्रधानता मिलती है वो कैसे इन्होंने दर्शाया, तो ईश्वर ईश्वरी शक्तियां इनमें विद्यमान थी और इसके बाद ये जो पद गाया करते थे इनके शिष्यों के द्वारा उसको संकलित किया जाता था। तो ये विवादित शब्द है, कुछ लोग मानते हैं जन्मांध है, कुछ लोग मानते हैं कि जन्मांध नहीं है। इसके बाद बचपन में ही ये विरक्त हो गए थे, विरक्त एकदम सांसारिक मोह माया से एकदम परे विरक्त हो गए और गौ घाट में रह करके विनय के पद गाया करते थे, और वहीं पर गुरु वल्लभाचार्य जी से इनकी मुलाकात होती है, इनकी भेंट होती है, और गुरु वल्लभाचार्य जी को सूरदास जी स्वरचित रचना सुनाते हैं, जिससे प्रभावित होकर के गुरु वल्लभाचार्य जी इनको भगवान श्री कृष्ण जी का लीला गान का सुझाव दे उनके द्वारा दिया जाता है वो देते हैं, और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी जो भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण जी का ही मंदिर है, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए गुरु वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को रख दिया, और वहीं पर रह करके वो भगवान की लीलाओं का गान करने लगे।
तो इसको एक किस प्रकार से आप लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे पाठ एक पद रचयिता सूरदास जी, यहां लिखेंगे कवि या सूरदास जी का जीवन परिचय, कवि का या सूरदास जी का जीवन परिचय। तो आप एक स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि संत शिरोमणि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक स्थान, जो कि आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास यह गांव पड़ता है, तो रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, इनके गुरु गुरु वल्लभाचार्य जी थे। ये जन्मांध थे, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जन्मांध थे, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जन्मांध नहीं थे। बचपन में ही सांसारिक मोहमाया धीरे धीरे खत्म हो गई, ये विरक्त हो गए और गौ घाट में रह करके विनय के पद गाया करते थे। भक्ति पूर्ण रचनाएं जो है वो गाया करते थे। एक बार वही गौ घाट में ही गुरु वल्लभाचार्य जी से इनकी मुलाकात होती है और गुरु वल्लभाचार्य जी को ये अपनी स्वरचित कविता सुनाते हैं, स्वरचित रचना सुनाते हैं, और उस रचना को सुन करके गुरु वल्लभाचार्य अत्यंत प्रभावित होते हैं और सूरदास जी को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव देते हैं और वहीं पर सूरदास जी वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु मान लेते हैं और गुरु के आदेश के अनुसार वह कृष्ण लीला का गान करने लगते हैं। गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में गुरु वल्लभाचार्य जी ने उनको भजन कीर्तन करने के लिए रख दिया और वहां पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रह करके भजन कीर्तन करते रहे, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान करते रहे। और अंत में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में इनका देहावसान हो जाता है। गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में इनका देहावसान हो जाता है और इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से जीवन परिचय आपको लिखना है। पुनः एक बात मैं बता दूं कैसे आपको लिखना है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि संत शिरोमणि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जन्मांध थे, कुछ विद्वानों का मानना है कि जन्मांध नहीं थे, यह एक विवादित विषय रहा है। और बचपन से ही यह विरक्त हो गए, सांसारिक मोह माया इनके अंदर से समाप्त हो गई और गौ घाट में रह करके विनय के पद गाया करते थे। यहीं पर गुरु वल्लभाचार्य से एक बार इनकी मुलाकात होती है और सूरदास जी स्वरचित रचना गुरु वल्लभाचार्य जी को सुनाते हैं। इनकी रचना से प्रभावित होकर के गुरु वल्लभाचार्य जी इन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव देते हैं और वहीं पर सूरदास जी गुरु वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं।
उसके पश्चात गुरु वल्लभाचार्य जो है इनको गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए इनको रख देते हैं और वहीं पर यह श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए, उनकी लीलाओं का ज्ञान करते हुए अपना जीवन यापन करने लगते हैं और अंततः जो है गोवर्धन के पास ही परसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में संत शिरोमणि सूरदास जी का देहावसान हो जाता है, इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से जो है आपको जीवन परिचय, यही स्टेप आपको हर कवियों में, हर लेखकों में स्टेप ही रखना है। थोड़ा बहुत जो है आप परिवर्तन करते रहिए लेकिन स्टेप आपका यही होगा। जैसे हमने बताया, शुरू में ही बता दिया, कुछ विशेषता युक्त शब्दों का प्रयोग करेंगे, इसके बाद समय लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, माता पिता पत्नी या पुत्र या पुत्रियां संतान जो है उनका नाम लिखेंगे, शिक्षा दीक्षा लिखेंगे, जहाँ से वो शिक्षा ग्रहण किए हैं, जहाँ से उनकी शिक्षा पूर्ण हुई है, उनके गुरु कौन है। अगर आपको ये नाम किताब के माध्यम से साधारण तौर पर उपलब्ध हो जा रहा है तो आप उसको जो है लिखिए। इसके बाद उनके जीवन की कुछ बातें लिखते हुए अंत में जो है आपको मृत्यु समय दिखा देना है। इस प्रकार से जन्म और बीच में बहुत सारी बातें आप दिखाते हुए अंत में मृत्यु लिखते हैं। इस प्रकार से आपका जीवन परिचय होता है। तो आप जो है ये हमने पॉइंट दर्शाते हुए आपको बता दिया है और आप ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे। आपको जैसे हमने बताया, एक तरफ से आप लिखना शुरू करेंगे, पिछली कक्षाओं में भी आपको लिखाया गया होगा, बताया गया होगा, अगर लिखने में कोई समस्या हो रही है तो आप जो है हमें कमेंट के माध्यम से या कॉल करके आप जो है सूचित करिए, चाहे जो भी तरीका हो उस तरीके से हम आप तक साधारण और आसान तरीके से सारी चीज़ें पहुँचाएंगे। तो इस प्रकार से जीवन परिचय हो गया और अगली क्लास में जो है अब हम जो है साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा और शैली बताएंगे। ये जो चीज़ें हैं ये प्रारंभिक हर पाठ में आपको पढ़ना है, चाहे वो हमने बताया, चाहे वो कवि हो, चाहे वो लेखक हो, गद्य और पद्य दोनों में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा, शैली। तो आज हमने जीवन परिचय बता दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कॉपी और किताब के माध्यम से, उसकी सहायता से, इस वीडियो की सहायता से आप जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे क्रमशः जो है ऐसे ऐसे वीडियो जो है आपके पास पहुँचते रहेंगे। और हम आशा और विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर आप स्वाध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई जो है बाधित नहीं होगी। धन्यवाद।